पूरे भारत से यहाँ चलकर आए हैं और राजीव राहुल गांधी जी को एक सिंपैथी तौर पर उन्हें एक सहानुभूति जताने के लिए आए। सर, राहुल गांधी जी को आज पार्टी का सर्वे सर्वा बना दिया गया है और युवा हैं, नई उमंग है आप लोगों के अंदर, तो आपको कैसा लगता है भारत के अंदर कैसा नेतृत्व होगा? आज देश के हर नौजवान को एक बड़ी खुशी है कि एक युवा नेतृत्व को आज देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी का आज वो अध्यक्ष के तौर पर काम कार्यभार संभालने जा रहे हैं। हम जैसे नौजवान जो एक आम परिवार से एक नौजवान आते हैं, एक किसान परिवार से आते हैं, बहुत छोटे गांव से आते हैं, हम जैसे आम परिवार के नौजवानों को राहुल गांधी जी ने आज युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी बनाया। हम जैसे आम परिवार के नौजवान जो पार्टी में अपनी आस्था रखते हैं, उनके लिए आज बड़े ही खुशी का माहौल है। देश के गरीबों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के मजदूरों के लिए, देश के मध्यम वर्ग परिवारों के लिए, देश के मध्यम वर्ग व्यापारियों के लिए आज बड़ा खुशी का माहौल है कि राहुल गांधी जी आज कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने जा रहे हैं। हम सब बड़ी खुशी के तौर पर आज आ पाए हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों हजारों नौजवान आज यहाँ नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, होली बना रहे हैं। आज हमारे लिए दीपावली भी है, होली भी है, बड़े खुशी का आज सभी देशवासी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा खुशी का माहौल है। आप युवाओं से क्या अपील करेंगे? मैं देश के नौजवानों से अपील करता हूं कि वो राहुल गांधी जी का साथ दें, क्योंकि राहुल गांधी जी एक ईमानदार, सच्चे और सरल, इतनी पुरानी राजनीतिक पार्टी में उनका एक इतिहास रहा है इस पार्टी के साथ, लेकिन जब भी वो इतने सरल रहते हैं, साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं, और वो उन्हीं के नेतृत्व में देश के करोड़ों नौजवानों का, उनके नेतृत्व में ही हम सब का भविष्य सुरक्षित है, ऐसा हम समझते हैं और सभी नौजवानों से अपील करते हैं कि उनका इस संघर्ष के समय में साथ दें। आपका नाम सर? मेरा नाम अमित यादव है, मैं हरियाणा प्रदेश इंटक का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और यूथ कांग्रेस में मैं राष्ट्रीय सचिव भी हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।